हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली बार से तो यार मैंने बिल्कुल भी इस गेम को खेला नहीं है। तुम देख ही सकते हो, स्टार्ट स्क्रीन पर ही हूँ मैं अभी तक। अरे वैसे ही चालू हो रहा है ये। टू इंस्टॉल द नेसेसरी फॉन्ट्स। अरे ये तो कुछ नहीं करना। ओके, अपन वहीं से हैं। और हाँ यार, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार तू शीटिंग करेगा। अरे यार, ये गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे पे? रॉक रफ बर्न। ओ हो, बेचारे को जला हुआ यार, मैं भूल गया था यार। अभी तेरे को मम्मी के पास ले जाता हूँ, मम्मी तेरे को हील कर देंगी। अरे यार, मम्मी के पास ले जाओ यार, जल्दी से यार, वरना बेचारा। ओ नहीं यार, मेरे पास बर्न हील है क्या? मेरे पास बर्न हील है यार। रॉक रफ प्लीज़ यार, थोड़ा थोड़ी देर के लिए और रुक जा यार, प्लीज़ यार। रॉक रफ यार, ऐसे ऐसे नहीं यार। यार रॉक रफ अभी बहुत बुरी हालत में यार। एजल्फ को मैं निकालता हूँ यार बाहर। और हाँ, मैं अभी क्या बोल रहा था, मैं पोल को यार अंदर डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पोल को यूज़ करूँगा, पर जब अपने पोकेमॉन लेवल 35 के हो जाएंगे ना ज़्यादातर, तब मैं पोल को ज़रूर यूज़ करूँगा। अरे ये लोग तो बैटल कर ही नहीं रहे। लुक्स लाइक अ चैलेंजिंग ट्रेनर रेडी पॉप। अरे यार, दिख नहीं रहा तुम लोग को यार। एक सेकेंड यार गाइस, एक सेकेंड। क्रॉपिंग में थोड़ी गलती है, अच्छा मैंने अभी से ही नोटिस कर लिया, वरना तुम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते। ओके गाइस, तो अब बिल्कुल सही लग रहा है मुझे ये। ओके, अब एकदम परफेक्ट है। सॉरी, थोड़ी क्रॉपिंग की मिस्टेक थी मेरे तरफ से। तो ये लोग यार डबल बैटल। ओ बाप रे, सही में यार, मजाक नहीं चल रहा क्या? डाकरा ऐसे की बैटल करा रहे हो, मेरी मरवाना है क्या तुमको? डाकरा ऐसे बैटल करा रहे हो ये हाँ, कन्फ्यूजन इस पर यूज़ करना है यार। इसमें थोड़ा अलग सा है ना, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। अपन को ये बाइट यूज़ करना है इस पर, ठीक है। और तुम यार बहुत अच्छे हो यार, जिन्होंने भी अप्रिशिएट किया था इस गेम को। बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं पसंद आया था, मुझे पता था बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा यार। ग्राफिक्स की वजह से जिन लोगों को नहीं पसंद आया ना यार, सही में शर्म यार। चलो क्या बोलूँ यार मैं, सही में शर्म आनी चाहिए। क्योंकि यार मारियो तुम खेलते थे, सही बताओ, मारियो में ऐसा मतलब ग्राफिक्स तुम्हें हमेशा ऐसे ही मिलते थे क्या? ग्राफिक्स या 3D मिलते थे तुम्हें? बताओ मुझे यार, हर गेम ऐसा यार। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता यार, अब क्या बोलूँ यार मैं। रहने दो, अभी मेरे को पोल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि रॉक रफ को थोड़ा हील करना है। वैसे भी यार पोल को यूज़ कर ही सकते हैं, अपना पोकेमॉन है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसको मार देते हैं। देखो, और हर गेम ग्राफिक्स से कुछ नहीं होता यार। देखो, स्टोरी होती है, स्टोरी जो कि गेम को अच्छा बनाती है। अब यार पहले के ज़माने में यार तुमने खेला ही होगा काउंटरा, तुमने खेला ही होगा है ना, खेला है ना। तो यार ज़रूरी नहीं थोड़ी ना है कि काउंटरा के अच्छे ग्राफिक्स हो तभी लोग पसंद करेंगे यार। ऐसे ग्राफिक्स में भी लोग कितना पसंद करते थे बताओ मुझे यार। तो ग्राफिक्स से यार कुछ भी नहीं होता है यार, ग्राफिक्स से कुछ नहीं, स्टोरी से होता है मेन चीज़। तो स्टोरी हिट है ना, तो बस गेम फिट है भाई, गेम एकदम फिट है और सही चलेगा गेम। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों को नहीं देखना था ना, वो लोग उन लोगों ने पहला पार्ट देख के ही ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब वो लोग फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे और डिसलाइक विसलाइक नहीं मारेंगे आगे के एपिसोड्स पर। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है यार, जो कि यार ग्राफिक्स की वजह से यार ऐसे करते हैं, उनसे तो बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे यहाँ से अपन शॉर्टकट ले, ये क्या है यार? स्टार हेविया भी घूम रहा है ऊपर एक, यहाँ पर कुछ है। मेरे को लगता है आंटी हील करेंगी अपन को। आंटी जी हील कर रही हैं क्या? ओ हेलो यंग ट्रेनर, आर यू टायर्ड? अरे आंटी, आप तो लाइफ सेवर हो यार। अरे आंटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने हील करा भी या नहीं करा? ओ आंटी, बहुत अच्छी बात है यार, आंटी आप तो कमाल की निकली। अरे हाँ, मेरे को एक चीज़ ट्राई करनी है यार, जो कि है ये। हाँ, मुझे लगा था एक इसका 3D वर्जन भी होता है, जहाँ पर जो पोकेमॉन बना हुआ आ रहा है ना, वो तुम्हें एकदम 3D दिखाई देगा, तो वो इसमें नहीं है यार। कोई बात नहीं यार, नहीं है तो अपन इससे काम चलाएं यार। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यार गेम, सही बताऊँ तो। मतलब यार मैं रुक नहीं सकता देखने के लिए कि इसकी स्टोरी क्या होने वाली यार, क्योंकि ऐश भी है इसमें, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ऐश और क्या गुड़ खिलाएगा, ऐश कौन से पोकेमॉन और ट्रेन करेगा, क्योंकि रैंडमाइज्ड है। तो मैं देखना चाहता हूँ ऐसे सारे पोकेमॉन देखना चाहता हूँ मैं। तो अपन यहाँ पर यार, वैसे सही बताऊँ तो नॉर्मल गेम में अब तक तो पोकेमॉन सेंटर आ भी जाता, ये चीज़ सही है यार। मतलब बहुत सही चीज़ है कि ट्रेनर बैटल काफ़ी हो रही है, वैसे तो होती नहीं इतने नॉर्मल गेम में, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। होनी भी चाहिए यार, होनी बिल्कुल होनी चाहिए यार, पर होती नहीं है ना नॉर्मल गेम्स में, वही तो बेकार चीज़ है, होनी चाहिए नॉर्मल गेम्स में भी। और हाँ सॉरी यार, मैं कल नहीं ला पाया था पोकेमॉन हर्ट गोल्ड, क्योंकि कल मेरा एक टेस्ट था, तो यार टेस्ट ज़रूरी होता है, तो वो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। पर अभी 10:30 बजे तुमको मिल गया होगा पोकेमॉन हर्ट गोल्ड, और सेकंड चैनल पर भी मैंने वीडियो डाल दी थी डिस्क्रिप्शन में, तो मैं लिंक मिल गई उस वाली वीडियो के कैसे डाउनलोड करना है उस गेम को, तो तुम वो भी देख लेना। उसको तुम फ़ोन में भी खेल सकते हो, PC में भी खेल सकते हो, और अगर तुम्हें PC में खेलना है ना, तो तुम डेस्म्यू में एमुलेटर डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा एमुलेटर है वो। और यार यहाँ पर हिडन आइटम्स ढूंढने का तो फ़ायदा नहीं है, कि बहुत ज़्यादा ही जगह है यार पे हिडन
हिडन आइटम्स कैसे ढूंढेंगे? अरे स्कोलोपीड को पकड़ सकते हैं शायद से. हो राइपीरियर भाई, इसको तो पकड़ूंगा मैं. अरे राइपीरियर पकड़ में आ जाए यार. अबे यार कन्फ्यूजन चूज करूंगा तो यार नहीं हो पाएगा यार. पोकेबॉल डाल के देखूँ क्या सीधा सीधा? यार एक बार पोकेबॉल डाल के देखता हूँ यार. वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि पकड़ में आ पाएगा राइपीरियर इतनी आसानी से. या मुझे लगा दूसरी बार भी कुड़क कुड़क हो जाएगा, पर नहीं हुआ यार. अपन को पोकेबॉल खरीदनी पड़ेगी यार. कन्फ्यूजन यूज़ करूँ क्या? मत मरियो यार, मत मरियो यार. मरना तो तय था यार उसका. वो क्या कर सकते हैं यार, चलो हो गया तो हो गया. अपन को और अच्छे पोकेबॉल मिल जाएंगे यार. रैंडमाइजेस में कुछ भी मिल सकता है यार, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं. हाँ राइपीरियर मैंने बोला था ना, स्कोलोपीड का. हाँ स्कोलोपीड का रैंडमाइज्ड ही है ये, तो स्कोलोपीड ये बन गई है, वेलॉर्ड बन गई है. पर मेरे को पकड़ना तो नहीं है, पर मैं इसको मार देता हूँ. वेलॉर्ड यार इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए मुझे पकड़ना नहीं है इसको. तो इसको अपन इसके अपन ऐसी तैसी कर देते हैं. चलो मर गया ये यार. लेजेंडरी पोकन एजल्फ यार, इसका बेस स्टैट्स देखो तुम कितना ज़्यादा है. ओके ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं आ चुका हूँ क्या? यहाँ पर मैं नहीं आ चुका हूँ है ना. यहाँ पर मैं नहीं आया ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मैं आया हूँ. एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आया हूँ क्या? मुझे लगता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ. ठीक है. अरे अरे पोकेमॉन आ गया, चलो कोई बात नहीं. अब इसमें तो जब भी पोकेमॉन आता है ना, अरे व्याहूत, अरे अरे मेरे लाल पीले मेरे नीले, कैसा है रे? टीम रॉकेट कहाँ है तेरी? जो भी है टीम रॉकेट, टीम रॉकेट मैं तो तेरे को मार रहा हूँ अभी के लिए. चल बाय टाटा, हमेशा की तरह ब्लास्टिंग ऑफ अगेन है. क्यों ब्लास्टिंग ऑफ अगेन? ये बंदे को मैंने नई बात करी है, तो इससे भी बात कर लेता हूँ. क्या है? आई वेटिंग फॉर एन एप्रिकॉन. आई ब्रिंग एप्रिकॉन टू मिस्टर कर्ट फॉर अ पोकेबॉल. ही दैट्स ऑसम. वेयर डज ही लिव? मेरे को क्या पता. ही करता रहे तू यहाँ पे बैठ के बस. ओहो ब्लू एब, अबे तेरे बगल में लगा था, निकाल नहीं सकता था क्या? हाँ सही कह रहा है. वैसे पोकेबॉल बनवा सकते तो मिस्टर कर्ट से, बहुत सही बंदे हैं यार वो. मतलब अलग अलग एप्रिकॉट्स तुम कलेक्ट करोगे ना, तो तुम उससे पोकेबॉल्स, वो क्या कहते हैं उसको, ये पोके, हाँ क्या यार पोकेबॉल्स बनवा सकते हो. हाँ और क्या. ठीक है. अब यार अगली सिटी अभी तक नहीं आई क्या यार? गलत बात है यार, ये तो बहुत गलत बात है. ये बोल रहा है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर, जरा देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है. अगर तूने मेरे को हरा दिया तो मान जाऊँगा. चल मैं ट्रवेश. अरे हाँ मतलब बाकी से तो स्ट्रॉन्ग है, पर यार मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. ये बोल ही रहा है ऐसे ही. चलो भैया एक ही पोकेमॉन था ना तेरे पास? हाँ मेरे को पता था, पता था मेरे को. ऐसे छोटे छोटे बच्चों के पास और कितने पोकेमॉन होंगे. हाँ भैया वो यहाँ पर तो टॉल ग्रास है भाई, टॉल ग्रास में तो मस्त पोकेमॉन मिलेंगे. आई एम हेड बट मास्टर, विच पोकेमॉन वुड यू लाइक टू टीच हेड बट? हेड बट, हेड बट किसको सिखाऊँ? हेड बट कोई सीख ही नहीं सकता है, किसको सिखाऊँगा भैया? किसी को नहीं सिखाना. अपन तो बड़ी वाली घास में घुसते हैं. क्या है यहाँ पर देखते हैं जरा. ओहो यहाँ पर कुछ हो सकता है. एक सेकेंड, एजल शील्ड. ओह फुल रिस्टोर कब से आया है एजल के पास? मैंने बात नहीं करी थी एजल से काफ़ी टाइम से, तो पता नहीं कहाँ से ले आया फुल रिस्टोर. गैरेडोस, अरे भाई, अरे यार अगर पकड़ पाऊँ तो कुछ बात है ना यार, अगर नहीं पकड़ पाऊँ तो कोई बात ही नहीं है यार. फिर तो क्या है, बच जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो पकड़ ही लूँगा. अरे अपन इसको पकड़ सकते हैं मतलब. हाँ एक और कन्फ्यूजन यूज़ करके इसको पकड़ लेता हूँ मैं. वो कन्फ्यूज भी हो गया, बहुत सही है यार. बस खुद को मत मार लियो भाई. ओहो मेरे को ही मार डालेगा ये तो. तो पहले तो अपन भाई जल्दी से यूज़ कर लो पोकेबॉल जो कि अपने पास बहुत ही कम बची हैं. पकड़ में आ जा यार, अभी तो तू 6 लेवल का है. बाद में पता नहीं कितने लेवल का बढ़ाऊँगा तेरे को मैं. ये हुई ना कुछ बात. गैरेडोस गाइस, अपन को एक वाटर टाइप पोकर मिल गया है जो कि एक फ्लाइंग टाइप भी है. अगर वो मेरा वैसे, हाँ तुम जानते नहीं होगे पर गैरेडोस फ्लाइंग टाइप भी है. ये मेरे को पोकेमॉन एक्स एंड वाई में पता चला था. देखो वाटर एंड फ्लाइंग टाइप. मेरे को पहले लगता था वाटर एंड ड्रैगन टाइप है, पर नहीं, वाटर ड्रैगन टाइप नहीं है, वाटर एंड फ्लाइंग टाइप है. और अपन गैरेडोस को मेगा इवॉल्व करेंगे. अरे अरे क्या मजा आएगा यार, गैरेडोस को मेगा इवॉल्व करेंगे यार. सही में मस्त लगेगा, बहुत सही लगेगा गैरेडोस का मेगा इवोल्यूशन. गैरेडोस मेरा, गैरेडोस का जो मेगा इवोल्यूशन होता है ना बहुत सही लगता है. एक चीज़ उसमें थोड़ी अजीब सी लगती है, उसकी जो टेल होती है ना वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है, एकदम छोटा सा बन जाता है, तो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है. पर यार किसको फ़र्क पड़ता है, सही है ना? अब एवोल्यूशन इतना मस्त हो तो यार किसको फ़र्क पड़ेगा. हे किड, हे मेरे को बच्चा किसने बोला भाई? ए पागल है क्या? कौन बच्चा बोला मेरे को? हे कौन बच्चा बोला? है आई एम सरीना फ्रॉम कैलोस रीजन. यू मस्ट बी ऋषभ, डिड यू सी ऐश? अरे सरीना भी है गेम में यार. अरे ऐश को ढूंढ रही है यार, अपने यार को ढूंढ रही है. आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट एट रूट 1. अरे सरीना क्या कर रही है गेम में? थैंक्स किड,
एक मेरे को किड कह को बुला रही है, पागल कर देगी यार, मेरी फेवरेट पोके गल है, तू पागल कर रही है मेरे को। सी वैट कगावा जिम, मतलब जिम्स के नाम बदल दिए। ओके लेट्स हैव अ बैटल एट कगागा सिटी। ठीक है, तेरे से बैटल कर लूँ, तेरे को हरा दूंगा। ठीक है, बच्चा बच्चा बोल ली ना ज़्यादा ही। ऋषभ रिसीव पोके गियर फ्रॉम सरीना। अच्छा, ओक से मिला था इसको, तो ये अपन को दे रही है। ठीक है, पर बच्चा मत बुला लियो आगे से मेरे को, बस फिर तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा सही में। अरे सर्सकिट सर्सकिट, अपना पहला लेजेंडरी जो कि घास में मिला है अपन को, और मेरा फेवरेट, अरे सेकंड फेवरेट लेजेंडरी मेरा, अरे बाप रे, जैक्रोम। ऐसे जैक्रोम आवाज निकालता है, अरे वाह रे जैक्रोम यार, भाई हाइप हाइप भाई हाइप, हैशटैग जैक्रोम यार, हैशटैग जैक्रोम डालो कमेंट्स में। अरे भाई मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हाइप्ड हैं यार इस सीरीज के लिए, जैक्रोम मिल गया भाई जैक्रोम। अरे बाप रे, अभी अभी मेरे चंगुल में आएगा यार। अब तू ना बचेगो भैया, तू ना बचेगो, अरे तू ना बचेगो, तू अपने चंगुल में आके रहेगो। ओहो हो, अपने आप को मत मार लियो, अपने आप को भाई, अपने आप को मत मारियो यार, प्लीज़ यार प्लीज़। नहीं यार बच गए, बच, यही सही मौका है भाई, पकड़ में आ जा भाई। एक ही पोके वाला है मेरे पास यार, एक ही पोके बॉल है अपने पास बस, पकड़ में आ जा। नहीं यार नहीं यार नहीं यार, शिट, अरे यार क्यों, अबे पोकेमॉन सेंटर कब आएगा यार, पोकेबॉल खरीदनी है मेरे को यार, अबे यार क्यों यार, इतना सही लेजेंडरी है यार ये, अबे यार क्यों क्यों यार क्यों यार, इतना सही लेजेंडरी अपने हाथों से जा रहा है यार, अबे यार जैक्रोम कितना सही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है ना, अबे यार यार मैं रो दूंगा यार, सही में रो दूंगा यार मैं, अब सही में यार, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो गया यार, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ यार एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ ना, गैरिडोस को ऊपर रख, नहीं यार गैरिडोस को मैं मतलब देखना चाहता था गैरिडोस कितना लंबा देखता है अपने बगल में, पर बाद में देख लेंगे कभी यार। बहुत गलत हुआ यार अपने साथ यार, मतलब सही में बहुत गलत हुआ यार। देखो हैपनी कैसी अजीब सी तरीके से अपना एग पकड़ी हुई है यार, सही में यार मतलब अच्छा नहीं हुआ यार अपने साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था यार, ये तो गलत हुआ यार, सीधी मतलब सीधी सीधी गलत ही बात है ये तो। इस साइड क्या है यार, बहुत घूमने को है यार यहाँ पे, मतलब कितना घूमने को है यार यहाँ पे, तो अपन कोई पोकेमॉन पकड़ ही नहीं सकते, सीधी सीधी बात तो ये है कि अब तो कोई पोकेमॉन पकड़ ही नहीं सकते अपन, अब पकड़ें क्या ये बताओ मेरे को तुम। अबे यार क्यों होता है यार अपने साथ ऐसा, अब यहाँ पर क्या है, इतने सारे साइन काय को लगे हैं, ये भी देखते हैं जरा। ओहो टेडी, इसका नाम मैं सही से नहीं ले पाता, टेडी अल्सर, हाँ टेडी अल्सर, टेडी अल्सर, बैठे मैं टेडी अल्सर बोलता था इसको, पर टेडी अल्सर नहीं है, टेडी अल्सर, टेडी अल्सर, अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, पर स्टे अवे, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, जहाँ पे हमको स्टे अवे बोलते हैं ना वहाँ पे हम जाने का मन करता है हमको, पर बंद कर रखा है, सॉरी कभी कभी गला अटक जाता है, पर बंद कर रखा है तो जा कैसे सकते हैं। पिजी ओटो, अरे 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 अपना अपना मैस्कॉट, अपन इसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं नहीं अपन को स्विच भी नहीं करना पोकेमॉन अपने, यार यार यहाँ पे जितने भी पोकेमॉन देख रहे हैं ना, मतलब मैं चाहता हूँ सबको पकड़ लूँ यार, सब सही में मैं तो चाहता हूँ सबको पकड़ लूँ, पर ये है ना बस कि नहीं पकड़ सकते ना, बस ये है, इसके पास एक वेरी रेयर पोकेमॉन है, पता नहीं कौन सा रेयर पोकेमॉन है इसके पास, एक ही पोकेमॉन है जबकि ब्रोंजोंग, अरे कुछ रेयर नहीं है यार ये, कुछ रेयर नहीं है, बाइट से वैसे कुछ होगा नहीं, नॉट वेरी इफेक्टिव, क्यों करा मैंने, क्या क्या ज़रूरत पड़ चुकी थी, अरे अरे स्लीप पे भी डाल दिया यार इसमें तो, टैकल यूज़ कर लेते हैं अब अपन तो है ही ढीट जब तक, अरे अरे बाप रे, हाँ अरे ये हुई ना रॉक रफ, अरे ये है ना कुछ स्पिरिट बैटल की, अच्छी बात है भाई, बस मेरे को फिर से मत सुला दियो, हाँ ठीक है, अच्छा चलो एक हिट में और चला जाएगा ये और काम ख़त्म हो जाएगा इसका, तो बाइट यूज़ कर लेते अपन तो ज़्यादा अच्छा रहता, एक एक्स्ट्रा हिट यूज़ ना करना पड़ता,
पर अपन ठहरे बेवकूफ, तो अपन ने किया ऐसा। रॉकक्राफ्ट लेवल 10 का हो गया, वो लेवल का हो गया, 11 का हो गया। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अपन ने देखा नहीं क्या है, अरे यहाँ पर एक सर्सकिट और घूम रहा है, क्या पता उसमें से रेशीराम निकल जाए। पर यार रेशीराम से ज़्यादा मुझे जेग्राम अच्छा लगता है, जबकि मुझे मतलब पर्सनली मुझे यार अगर तुम पूछो ना टाइप कौन सा अच्छा लगता है पोकेमोन का, तो मुझे फायर टाइप बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ज़्यादातर अगर मैं चूज़ करता हूँ ना तो फायर टाइप ही चूज़ करता हूँ, किसी भी प्ले थ्रू में चूज़ करूँ ना फायर टाइप ही चूज़ करता हूँ। और वाइट टू में मैंने ऑशोवाट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि तुम लोगों ने बोला था ज़्यादातर लोगों ने, वरना मैं टेपिक चूज़ करता ज़्यादातर, तो यही करता मैं टेपिक ही चूज़ करता। पर हाँ अभी एक बार मेरी वाइट टू की सीरीज़ ख़त्म हो जाए ना सही से एकदम, अभी वो सही से ख़त्म हुई नहीं है यार। ये देखो यार ये रिफ्लेक्शन अलग से ऐड की गई है, वैसे थी नहीं है गेम में, देखो अलग से ही पता चल रहा है कि अलग से ऐड की गई है। अब ये अगर सर्सकिट अपने पास यहाँ पर आ जाए, एक सेकंड, इससे बैटल कर सकता नहीं कर सकते मेरे पर, देख तो ले मेरी तरफ, ओए तू तो आ जा, तेरे से बैटल कर सकता हूँ क्या मैं? आई नहीं रहा यार, क्या कर सकते हैं। इससे बैटल मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है कि इससे बैटल करें ही करें, तो मैं इसे अभी कर लूँगा बैटल, पहले मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर तो मैं देख आया, अब यार सिटी आनी चाहिए यार, अब कुछ नहीं। हाँ चलो अब ठीक है, सिटी आ गई। अब यार वो कहाँ है पोकेमोन सेंटर, कहाँ है? अरे यहाँ पर तो एक और ट्रेनर आ गया, पोकेमोन सेंटर कहाँ है भाई? पोकेमोन सेंटर मेरे को चाहिए ही चाहिए यार, अब तो पोकेमोन सेंटर की ज़रूरत है अपन को। यहाँ पर अंकल आंटी जी बैठे हुए हैं। डू यू लाइक दिस पीसफुल प्लेस? हाँ बिल्कुल पसंद तो है मुझे, पर क्या यार पोकेमोन सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर मैं सो के हील कर सकता हूँ क्या? आई एम फाइंडिंग माई ओल्ड गेम्स हियर, कौन से गेम्स ढूंढ रहा है? यहाँ पर मैं सो सकता हूँ क्या यार? लग तो ऐसा नहीं रहा। हाँ नहीं सो सकता मैं यार, सो सकता तो सही रहता। वैसे तो एक आंटी थी पीछे, घर था उनका, वहाँ पर कुछ कर सकते थे। एक सेकंड यार मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे को लग रहा है कि नीचे वाला बंदा कुछ देगा यार, मैं थोड़ा नीचे सही से देख लेता हूँ कि कुछ होगा कि नहीं होगा। एक सेकंड, हाँ अब देख लेता हूँ नीचे कुछ होगा नहीं होगा। हाँ ये कुछ अपने ओल्ड गेम्स जुड़ रहा है ना यार, प्लांट क्यों गिरा रखा है तूने? डस्टबिन में कुछ नहीं है, बॉक्सेस में कुछ है क्या? बॉक्सेस में भी कुछ नहीं दिख रहा, इसमें कुछ नहीं है। ये अंकल कौन है? माय मिस्टर रॉबिन्सन्स पिक्चर, हो मिस्टर रॉबिन्सन। नहीं कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरे को लगा कुछ देगा ये बंदा, पर नहीं दे रहा है। और तू मेरे रास्ते से हट जा मेरे लाल, वरना मैं ऊपर कैसे जाऊँगा? अबे हट जाना, पागल है क्या? अबे हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ चलो अब जा सकते हैं अपन। ठीक है तो यहाँ पर तो अपन रेस्ट नहीं कर सकते, अपन को जाना ही पड़ेगा, सीधा सीधा चलना ही पड़ेगा यार। मतलब साफ साफ ये तो चीटिंग कहलाती है जो कि अपने साथ की जा रही है। हाँ अरे नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला इधर। और ये लड़की क्या कर रही है? कुछ हील कर रही है। अरे यार कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है। अरे हील यो पोकेमोन। अरे नस जो है यार, बच्ची नहीं है यार, तो आंटी जी हैं। आंटी जी नहीं मतलब सुंदर सी लड़की हैं। ये पोकेमोन आर फुली हील्ड, कम बैक इफ यू नीड। यार अगर आप पोकेबॉल भी बेचती तो अच्छा रहता। अरे यार इतनी सुंदर आंटी को मेरे को दुकानदार बनाने में अच्छा तो नहीं लगता है, पर यार पोकल बेचती तो बहुत अच्छा रहता। अरे यार ये ट्रेनर मेरे को लगता है कुछ करेगा कमाल, बर्ड टाइप पोकेमोन होते हैं वैसे इसके पास, पर अब देखते हैं ज़रा क्या होता है इसके पास। मिस्टर अच्छा माइम जूनियर, अरे 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 बहुत अच्छा। इसको वैसे इस पोकेमोन को वैसे बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, और रीज़न मेरे को सही में खुद भी नहीं पता कि क्यों मिला था क्रिटिसिज्म इसको। मतलब इसको लोगों ने पता नहीं क्यों हेट किया था, जबकि बहुत ही क्यूट पोकेमोन है। तो बच्चों ने तो नहीं किया था, अडल्ट्स ने किया था, पर ये रीज़न मेरे को नहीं पता यार कि क्यों हेट किया था। हेट करना तो नहीं चाहिए यार, क्या बात है हेट करने की इसमें यार। यार ये कन्फ्यूज इसलिए खुद को ही मारे जा रहा है यार एज एल्फ, और वो उधर से कन्फ्यूजन यूज़ कर रहा है। अब यार एक लास्ट बार और यूज़ कर लेता हूँ कन्फ्यूजन। हाँ चलो अब ठीक है, क्योंकि माइम जूनियर तो गया काम से, पता नहीं क्यों यार। मतलब ऐसे अच्छे पोकेमोनों को हेट मिलता है, पर ठीक है यार हेट तो हर चीज़ को मिलता है, तो उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एक और बार हील करा लेता हूँ यार, क्योंकि आगे क्या पता कुछ हीलिंग के लिए कोई आदमी आए भी ना या ना आए। यार अगर इस गेम में ऐसे ही चलता रहा ना कि यार इतने आधे आधे घंटे तक कोई वो ही नहीं आती सिटी, तो यार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यार। और नज़लॉक में सोचो क्या होता अपना। ओ आई नो बट हाउ टू पिक द बॉल, क्या क्या बोला इसने, क्या बोला क्या बोला? गो अवे, आई ऑलमोस्ट हैव ब्यूजल। एक सेकेंड, ये बॉल, ओ पोके बॉल मिल्क तो गई यार मेरे को एक। यार जैक्रोम, यार जैक्रोम की याद आ रही है यार, काश जैक्रोम मिल जाता मेरे को। एक सेकेंड, यहाँ से अब नीचे उतर सकते हैं क्या? हाँ उतर सकते हैं। अब पूरी सही से देखेंगे यार जगह, क्योंकि जीबीए गेम्स में क्या होता है ना कि
थोड़ा मुश्किल होती है यार जगह ढूंढने में, और वैसे भी मैं रात को ही खेलता हूँ तो रात ही रहती है गेम में। तो अभी टाइम शायद से मैं चेंज कर दूँ, क्योंकि फिर तुम लोग पागल हो जाओगे कि पागल रात को ही खेलता है, रात को ही खेलता है। तो उसको भी मैं सही कर दूँगा, ठीक है। और हाँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने पोकेमॉन हर्ट गोल्ड वाली सीरीज़ नहीं देखी यार, तो प्लीज़ उसको जाकर देख लेना यार, प्लीज़। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें मुझे तुम लोग की ज़रूरत है, और तुम लोग मुझे एक्स भेजोगे, पोकेमॉन एक्स तुम लोग मुझे भेजोगे, और तुम जो चाहते हो ना पोकेमॉन भेजना, वो पोकेमॉन तुम भेज सकते हो, पर एग में। जैसे कि तुम मुझे फ्लाइगॉन भेजना चाहते हो ना, तुम फ्लाइगॉन भेज सकते हो। तुम भेजना चाहते हो मेरे को गारचॉम्प, तो गारचॉम्प भेज दो, गिबाइट भेज दो, गिबल भेज दो, जो भेजना चाहते हो भेज सकते हो तुम। तो ये है, तो तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो। तुम उस सीरीज़ को भी जाके देखो, उसमें यार पीसी की ज़रूरत है यार ये पोकेमॉन भेजने में, पर यार किसी से लैंड कर लो 2 मिनट के लिए पीसी, कुछ नहीं जाएगा यार, और दो ही पोकेमॉन तो भेजने यार, तो बहुत कम टाइम लगेगा। मैरिल ये भी अपन से बैटल करेगा, देखते हैं ज़रा क्या बैटल करेगा, कौन आएगा। अरे फेरोथ्रोन आएगा, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए फेरोथ्रोन, नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी यार। यहाँ पर और कुछ है क्या? हाँ यहाँ पर बिल्कुल कुछ है, पर अपन देख नहीं पा रहे इधर। यहाँ पर एक बंदा है छोटा, अरे बंदा नहीं सी डॉट है ये, तो अब ये पता चलेगा। अरे अरे शेल्डॉन यार, अगर ये पकड़ में नहीं आया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। सैलेमेंस किसको अच्छा नहीं लगता मेरे को ये बताओ, सैलेमेंस अच्छा किसको नहीं लगता यार, बताओ मेरे को यार, सबको अच्छा लगता है। सैलेमेंस मिल जाए ना तो लाइव सेट है यार, 2 पोकेबॉल अपने पास भाई, आ जा यार, तेरे हाथ सही में हाथ जोड़ रहा हूँ यार मैं अभी, 2 3 सैलेमेंस पक्का भाई, सैलेमेंस पक्का है अपना यार, भाई मजा आ गया यार। अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं मारा ना तो यार तुम पोकेमॉन फैन नहीं हो यार, और तुम्हें सैलेमेंस अच्छा नहीं लगता क्या भाई? लाइक मारो अभी क्या, अभी लाइक चाहिए मेरे को, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, बस बोल दिया तो बोल दिया भाई, 500 लाइक्स मतलब 500 लाइक्स भाई, सैलेमेंस मिलेगा यार। यार पहली बार मैं किसी सैलेमेंस को ट्रेन करूंगा यार गेम में, सही बता रहा हूँ, मैंने सैलेमेंस को कभी ट्रेन किया ही नहीं, मिले ही नहीं कभी पकड़ने को, पर अब मिल चुका है यार पकड़ने को। ब्लू एप्रिकॉन अपन को काफ़ी मिल चुके हैं, दो मिल गए ना अपन को ब्लू एप्रिकॉन, और अपनी पोकेमॉन टीम सही चल रही है, और जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर आ जाए बस, क्योंकि यार एक तो अपन को पोल को अंदर डालना है, और एक मेरे को पोकेबॉल काफ़ी सारी खरीदनी है। गॉर्गाइस्ट, ओके, ये पोकेमॉन इंट्रोड्यूस किया गया था उनोवा में या फिर एक्स एंड वाई में? एक्चुअली यार ये पोकेमॉन क्या सन एंड मून में इंट्रोड्यूस किया था क्या? नहीं यार सन एंड मून में तो नहीं आया था, इससे पहले भी आ चुका है एक पोकेमॉन, पर यार मेरे को याद नहीं आ रहा कब आ चुका है। अगर तुम लोगों को याद हो तो बताना, पर अच्छा पोकेमॉन है मैंने ऐसा सुना है, और मेरे ख्याल से जेसी के पास था ये पोकेमॉन, है ना यार? मुझे सही से सच में याद नहीं है, या तो सन एंड मून में आया ही है, अभी वो एपिसोड आया नहीं वैसे, या फिर कुछ मतलब कुछ तो है यार, मतलब शायद एक्स एंड वाई में ही था जेसी के पास शायद से, सही मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बता देना तुम किस चीज़ के लिए हो यार, तुम अपने भाई हो यार, तुम तो कुछ भी बता देते हो। ओहो 4000, ये क्या है भाई, ये 4000 का एक बैठा है ऊपर, वही 4000 बैठा है उसके ऊपर भाई, निगरानी कर रहा है क्या? देखो क्या बोलना है इसके बारे में, तेरा 4000 है क्या? आई लाइक फायर पोकेमॉन वेरी मच, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हॉट, यू शुड हैव दिस वन, ऑप्टेन चारकोल। अरे चारकोल से फायर टाइप मूव जो होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर एक पोकेमॉन सेंटर तो बहुत अच्छी बात है यार, पर ऊपर तो 4000 बैठा है यार, उसको पकड़ सकता हूँ क्या मैं यार? प्लीज़ यार, प्लीज़ यार, नहीं क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, 4000 चाहिए अपन को, एक 4000 मिल जाए मज़ा आ जाए यार, सही में मज़ा आ जाए क्या? ओहो दो लड़कियाँ एक साथ, डबल बैटल खेलोगे? आ जाओ डबल बैटल, अभी दोनों को एकदम ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारे पोकेमॉन की, एक्सकाड्रिल और नाटू, अरे नाटू का तो जाटू बना देंगे अपन, आ जाओ तुम बस। कन्फ्यूजन किस पे करेंगे अपन? इस पे कर देते हैं, और भैया बाइट कर देते हैं अपन जाटू पे, ये बात कुछ हुई ना, ये बात हुई ना कुछ, ये जाटू तो एक बार में जाएगा, बोला था ना मैंने एक बार में जाएगा जाटू, बस अब एक बंदे पर ही डबल बार अटैक करेंगे अपन। रैपिड स्पिन कितना जाएगा इसे? कुछ नहीं जाएगा यार, आखिरकार लेजेंडरी पोकेमॉन है यार, ऐसा वैसा पोकेमॉन थोड़ी है। चलो भैया अटैक मारो इस पर, कितना होगा? काफ़ी होगा, काफ़ी होगा, मरेगा नहीं पर ये, हाँ खुद पर अटैक ज़रूर कर सकता है, मतलब अभी ये नहीं मरा, मेरे को लग ही रहा था नहीं मरेगा, खुद पर अटैक कर ले भाई, क्या करेगा जी के तू, बिल्कुल अच्छी बात है बिल्कुल। अच्छा खुद पर अटैक इसने किया नहीं वैसे, इसने वो मड स्लैप यूज़ किया, क्या यूज़ किया इसने, ऐसी कुछ यूज़ किया था, इससे इलेक्ट्रिक टाइप पावर वीगन हो जाती हैं, फालतू का अटैक था बेसिकली बस, और कुछ नहीं था, फालतू के अटैक सिखा के रखते हैं ये लोग, इसलिए ये लोग कभी जीत नहीं पाते हैं। हाउल रॉकरफ को हाउल,
तो ठीक है यार, लियर की जगह हाउल सिखा देता हूँ, उसमें क्या है? लियर वैसे भी कौन सा अच्छा मूव है, हाउल उससे ठीक है थोड़ा बहुत। वैसे भी मैं हाउल यूज़ करने भी नहीं वाला हूँ, पर फिर भी मैंने सिखा दिया, बाई चांस कभी यूज़ कर लें अपन तो। ठीक है, यहाँ पर यार हिडन आइटम तो देखो मेरे को पता है बहुत होंगे, पर यार कौन ढूंढे यार, 10 साल लग जाएंगे ढूंढने में, तो अपन ढूंढ नहीं रहे। रूट टू, अरे अब तो यस, हाँ फाइनली भाई फाइनली। यार इस गेम में मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पोकेमोन तो मैं चलते हुए भी दिखाई देते हैं, वो रियलिस्टिक बनाता है यार गेम को बहुत। तो यार सबसे पहले तो एक काम करना है, वो कि है यहाँ पर जाना और पोल को अंदर डाल देते हैं, क्योंकि यार चीटिंग और नहीं करना चाहता मैं। यार चीटिंग ही है यार, मानो तो मेरी बात मानो, चीटिंग ही है ये। बॉक्स 1 में अपन इसको डाल देते हैं बस, बाकी सारे पोकेमोन तो अपने खुद के पकड़े हुए हैं। और यार मैंने इन लोगों को काफ़ी ट्रेन कर लिया यार, अब मेरे को ट्रेन करना है, मेरे को ट्रेन करना है गैरीडोस को। ट्रेन करूँ क्या यार गैरीडोस को? एक काम करता हूँ, मैं ट्रेन कर लेता हूँ। मेरे को ये भी देखना है कि यार चलता कैसे है ये बंदा, मेरे पीछे पीछे कैसे चलेगा। ओ हो, छोटा ही दिखता है पर काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है चलते हुए, बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। चलो अब हील कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि शील्ड ऑन की जो ताकत वागत है पूरी निकल चुकी है। ठीक है, आंटी जी अपने पोकोन हील करेंगी जल्दी जल्दी से, और अपन पोके मार्ट में भी जाते हैं और जल्दी से थोड़े बहुत पोके बॉल्स भी खरीदते हैं, थोड़े आइटम वाइटम खरीदते हैं, पोशन वोशन। आई हैव लॉट्स ऑफ ओल्ड रॉड, सो जस्ट टेक वन। ठीक है, ओल्ड रॉड मिल गई अपन को, एक फिशिंग भी कर सकते हैं अपन। फिशिंग से ही बढ़िया बढ़िया पोकेमोन मिल जाएंगे अपन को, रैंडमाइज्ड है वैसे भी। ऑल माई पोकेमोन आर टायर्ड आफ्टर क्रॉसिंग कोरेडा फॉरेस्ट। सही बोल रहा है यार भाई तू, बहुत सही बोल रहा है यार, मतलब फॉरेस्ट को ज़्यादा ही बड़ा था सही में यार, पागल कर दिया यार इन लोगों ने। ये बंदा, अरे रुक जा, एक एक जगह रुकेगा तू। आई वॉज डिफीटेड बाई जिम लीडर कैनाकी, ही स्ट्रॉन्ग एंड टफ। यार इसमें न्यू जिम लीडर्स इंट्रोड्यूस किए हैं यार, जबकि कैंटो रीजन ही है शायद से, या कैंटो नहीं है ये। बहुत लोगों ने खेला है यार इस गेम को, मैंने देखा है कमेंट्स में, मेरे को पता चल रहा है कि काफ़ी लोगों ने खेल रखा है इस गेम को पहले भी। तो तुम बताओ यार, कैंटो रीजन है कि कौन सा रीजन है ये? पोके बॉल यार मैं काफ़ी खरीद लेता हूँ यार, कम से कम इतनी तो खरीद ही लेता हूँ यार, इतनी तो ज़रूरत पड़ ही जाएंगी अपन को। और क्योंकि अपन जिम बैटल में भी जाने वाले हैं, तो पोशन मैं खरीद देता हूँ, इतने इतने सही रहेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करने का अपन को। और हाँ बस इतना ही ठीक है, अभी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाकी खरीद लूँगा। अभी पहले ये देख लेता हूँ यार कि किस टाइप का जिम लीडर है वो, कौन से पोकेमोन को ज़्यादा ट्रेन करता है। अरे पागल हूँ ना मैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई भी, सही में फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई भी कि कौन से पोकेमोन को ट्रेन करता है, क्योंकि पोकेमोन तो एकदम ही अलग अलग आएंगे उसमें, वो ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप के पोकेमोन आए। आई यूज़ टू बी कैसा नाम है, ककावा जिम लीडर, बट आई एम टू ओल्ड। अच्छा पहले ये अंकल थे, अंकल जी आपने ही बहुत मेहनत करी होगी तभी तो रिटायर हो गए। ठीक है, अब कुछ है यहाँ पर ढंग का जो कि अपन जिम जाने से पहले देख सकते हैं? यही होगा जिम, ककावा फ्लैट। अरे फ्लैट है ये तो, आंटी जी क्या चल रहा है? हेलो आई लिव इन अ ककावा फ्लैट, वाई डोंट यू गो इनसाइड। अरे बिल्कुल जाएंगे अंदर, कुछ कोई देगा तो ही जाएंगे अपन अंदर। कोई दे रहा है क्या कुछ? पहले इस रूम में देख लेते हैं अंकल जी, अरे आंटी जी हैं। दिस फ्लैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, आई लव दिस प्लेस। बस इतना बताने के लिए मेरे को अंदर भेजा, शर्म नहीं आती, एक बच्चे को परेशान करते हो, शर्म नहीं आती। इफ़ यू आर अ रॉक टाइप ट्रेनर यू शुड हैव दिस रॉक जेम। अरे बिल्कुल अच्छा करा, क्योंकि अपने पास रॉक रफ है ना, रॉक टाइप पोकेमॉन। बिल्कुल बिल्कुल, माय ग्रैंडफादर इज इंटरेस्टेड इन रॉक टाइप पोकेमॉन, बिल्कुल दिख ही रहा है वो तो, क्योंकि रॉक जेम था उनके पास। पर रॉक जेम का ये है कि बस यार एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, फिर तो बेकार हो जाता है रॉक जेम भी। दिस फ्लैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, अरे ये तो मैं वहीं पर आ गया। अच्छा दो फ्लोर जी थे, अच्छा अच्छा ठीक है, तभी मैं सोचूं ये वाला डोर वापस से कैसे आ गया, दो फ्लोर जी थे ना। ठीक है, ये पोकेमॉन बैटल करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर बालकनी में कैसे जाऊँ मैं? बालकनी में जा भी सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते लगता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ है जहाँ जो मैं कुछ कर सकता हूँ? फॉर सेल, अरे मुझे दे दो यार, थोड़े पैसे वैसे आ जाएँ तो मैं ले लूँ। वॉचिंग अ जिम बैटल फॉर फ्रॉम आउटसाइड आई कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम बैटल ट्रेजेडीज। अरे बाहर से दिख भी रहा है तेरे को? अरे पीकाचू पीका पीका घूम रहा है यहाँ पर है। पीकाचू ये मेरे को भी चाहिए यार, थंडर मतलब इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन चाहिए यार मेरे को एक। अरे वहाँ यहाँ पर सरीना भी तो बुला रही थी मेरे को, बोल रही थी सरीना के अपन बैटल करेंगे, तो है कहाँ पर वो? फिर यहाँ पर साइकिलें रखी हुई हैं यार। हाँ कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि साइकिल लेना भूल गया मैं, कहाँ से साइकिल लेना भूल गया बताओ यार ज़रा मुझे, साइकिल लेना कहाँ से भूल गया मैं? कि मतलब अपनी मम्मी साइकिल देती हैं क्या, ऐसा होता है क्या यार? मैं तो पहली बार गेम खेल रहा हूँ ये वाला, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, तो जिन्होंने खेला है वही मेरी मदद करेंगे। तो बताओ यार मतलब
इसमें साइकिल भी मिलती है, इतनी जल्दी साइकिल मिल जाती है, मेरे को तो पता नहीं था यार। तो अपन यार जिम जिम में ही आने वाले हैं, तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, एक सेकंड ये क्या था, एक सेकंड मैंने ये दबाया, ये क्या था, हो, मतलब अभी मैं जेड दबा के रखा हुआ था, उसकी जमाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एस दबा दो और अपने वॉकिंग मोड में, और एस दबा दो तो रनिंग मोड में, वाह। और जेड का भी वो मतलब शिफ्ट का भी किसी ने बोला था, टर्बो वर्बो कुछ करके बोला था। अच्छा क्यू, ओहो क्यू से भी मोड बदलते हैं क्या, ओ ए से अपन पोकेमोन का वो चेंज कर सकते हैं। एक सेकंड कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं, ऐसा है क्या, मतलब मैं चाहता हूँ उस पोकेमोन को मैं सबसे ऊपर रख सकता हूँ। अरे एक सेकंड, मैं मतलब अगर मैं ए दबाऊँगा तो पोकेमोन चेंज होते रहेंगे, वाह यार। मैं मतलब एजल्फ को ऊपर रख लेता हूँ फिर यार, सही रहेगा। लो अब तो यार एकदम सही है यार, मेरे को कंट्रोल थोड़े पता चल रहे हैं यार इस गेम के, सही है एकदम। अब रनिंग मोड पे मैं कर लिया मैंने, ठीक है। याहू, कौन चिल्लाया, अरे अरे ऐश ऐश तूने तो हरा दिया होगा। ओ हेलो ऋषभ, आई डिफीटेड केनाकी एंड गॉट द फर्स्ट पैच, आई कांट वेट फॉर द सेकंड वन। मुझे पता है यार तू थोड़ा, यार तू वैसे ऐसा करता तो है नहीं, तू रेड बन रहा है ज़्यादातर, वैसे तो तू ऐसा करेगा नहीं, वैसे तो 10-10 दिन लगा देता एक बैच कमाने में, और अभी तू 2 दिन में ही कमाया। ओ एंड गुड लक ऋषभ, थैंक्स यार, मतलब अच्छा तो है यार बंदा, कुछ भी बोलो यार ऐश से अच्छा बंदा नहीं मिलेगा तुम्हें यार, मतलब रेड भी चलो ठीक है पर दिल उसका वैसा नहीं है जैसे ऐश का है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। बैटल सीन मस्त लग रहा है यार बड़ा, बैटल सीन तो बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है भैया बैटल सीन। अच्छा रॉक टाइप जिम है ये, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो रॉक टाइप जिम था ये, पर अभी अपन ये खेल रहे हैं इसलिए नहीं था। ओहो ये भी ना कुछ बात, थ्रेटिकल एट ऐसे इसे कहते हैं भाई, पोकेमोन के कैसे खेलते हैं ऐसे देख लो तुम, सही से ऐसे खेलते हैं। ये फुटपाथ का एक बना रखे हैं जबकि साइड में भी चल सकते हैं, ये तो ट्रेनर होगा एकदम, ऐसा क्यों भूरा भूरा सा काय को है ये, बाल क्यों नहीं काट रखे इसने अपने, क्यों हैं, बाल तो सही कर ले अपने। इसके पास भी एक पोकेमोन, इसमें ट्रेनर्स बड़े कम है यार इस गेम में जिम के अंदर, पर बाहर बड़े ट्रेनर्स हैं यार, बाहर भी ज़रूरी नहीं कि हर तरफ हों, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट था, मेरे को लगता है इसलिए था ऐसा, फॉरेस्ट तो नॉर्मल गेम में ही बड़े होते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब इसको अपन ने कन्फ्यूज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और यार जिम लीडर से लड़ने से पहले यार मैं नहीं कर रहा हील वील यार, वो तो देखा जाएगा यार, मैं नहीं कर रहा हील, ठीक है। अब तो अपन सीधा जाएंगे भैया जिम के अंदर, ठीक है। अभी मेरे को इसके कंट्रोल्स और सही से देखने पड़ेंगे, मेरे को थोड़ा पता चल रहा है इसके कंट्रोल्स के बारे में। यू हैव मेड इट दिस फार बट यू कैन नॉट बीट मी, अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, हो ही नहीं सकता ऐसा। अरे हो क्या सही लग रहा है भाई, कौन से एनिमे से उठा लाए इसको, कौन से एनिमे से उठा के लाए हैं इसको, सेमी पोर। चलो अच्छा है अपन ने फाइटिंग वो रॉक टाइप नहीं निकाला यार, मैं क्या यार इतना अच्छा गेम है मेरी बोलती बंद हो गई। अच्छा अपन ने रॉक टाइप को नहीं निकाला, वरना अपन गए थे एक तरह से, तो मान ही लो तुम गए थे अपन। हार्डन मैं क्या हार्डन यूज़ करा इसने यार, मैंने मूव्स तो यार मैंने नहीं किए थे रैंडमाइज यार, मुझे ऐसा याद है मैंने मूव्स रैंडमाइज तो नहीं किए थे, पता नहीं मुझे नहीं पता फिर मैंने किए भी थे कि नहीं किए थे। अरे ये तो पागल पोकेमोन है, इसको तो हटाओ भाई यहाँ से, तो मरेगा अभी। अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, एक सेकेंड ये रॉक टाइप होता है क्या, एक सेकेंड मुझे इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा यार, ये रॉक टाइप तो नहीं होता है, मतलब मैंने एक सेकेंड मतलब पोकेमोन बदल गए पर मूव्स वही के वही रहे, ऐसा कुछ है नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो कुछ गलत बात है। एक सेकेंड यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। अपन यूज़ करेंगे पोशन भाई, पोशन यूज़ करो अभी, और कुछ यूज़ क्या करेंगे अपन, एजल्फ से ही लड़ाई करेंगे, किसी और को निकालें, रॉकक्रॉफ्ट को ही निकाल सकते हैं, और तो सारे पोकेमोन कम लेवल के ही हैं अपने यार, और एच पी भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं यार वैसे, और इसने भी पोशन यूज़ कर लिया, ये देखो और भी बड़ी मुसीबत। तो यार अब तो बस एक ही चारा है अपने पास, अपन तो सीधा अटैक मारो, कन्फ्यूजन बस हो गया काम इसका। अरे नहीं हुआ यार, अरे नहीं हुआ, चलो ठीक है फिर भी अपन बच गए अपन, हाँ अपन बच गए, एजल्फ बच गया। और यार वैसे भी मैं ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, नज़लॉक थोड़ी ना है, अब फेंट हुआ पोकेमोन तो वापस से हील कर लेंगे, उसमें क्या है, पर फिर भी अजीब सा लगता है नज़लॉक खेलने के बाद कि कोई पोकेमोन फेंट ना हो जाए। वेरी गुड ऋषभ, गॉट 1300 फॉर विनिंग, गुड। यू हैव वन द बोल्डर बैच, मतलब बैजेस वही हैं
बस ये है कि जिम मीटर्स का नाम चेंज कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। विथ माई बैच यू कैन यूज़ कट आउटसाइड हेयर, हेयर हैव दिस TM2 रॉक टूम्ब। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, अभी मैं इसको सिखा दूंगा रॉक रफ को। थैंक्स यार, अच्छा अच्छी बैटल थी, मज़ा आया, पर दो मिनट में ख़त्म हो गई। पर कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, जिम बैटल होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोकेमॉन जिम। द ओनली डिफरेंसेज आर दैट द ट्रेनर्स मोर बिकम इनएक्टिव इफ द लीडर इज डिफीटेड, एंड दैट द लीडर गिव्स यू अ बैज एंड TM आफ्टर डिफीटिंग हिम। ओके, मतलब जो पोकेमॉन वाइट टू वगैरह था ना, उसमें क्या था, तुमको इनको हराना ही हराना पड़ेगा अगर तुम्हें जिम लीडर के पास पहुँचना है। पर इसमें ऐसा नहीं है, अगर तुमने जिम लीडर को अकेला हरा दिया इनसे बच बच के, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग तुमसे बैटल नहीं करेंगे। देयर यू आर ऋषभ, ओ यू हैव डिफीटेड द जिम लीडर, या हे हाउ वुड अ बैटल बिफोर यू गो टू द जिम, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओ बट बिफोर दैट आई विल हील योर पोकेमॉन, बिल्कुल हील कर यार, चलो अब बैटल कर सकते हैं अपन। या मुझे शील्डॉन को ट्रेन करना है यार, गलत बात है। अरे सरीना सरीना, ये तो वही सरीना है, मैं तो कुछ और समझ रहा था, वैसे कुछ और समझ नहीं रहा था, यही समझ रहा था मैं। पर चलो क्यूट लग रही है सरीना भी, बढ़िया बात है, मस्त बैटल करेंगे अपन एक कन्फ्यूजन के साथ, तेरे को एक एक हवा में उड़ा देंगे। ये पोकेमॉन लेके जा रही है तू, अबे इससे कुछ नहीं होगा, इससे नहीं जीत पाएगी यार तू, सही बता रहा हूँ। लेवल 13 का तो कर ले कम से कम, वरना अभी मैं देख के आ रहा हूँ यार, अभी तू मान मत मेरी बात, मैं भी देख के आ रहा हूँ भाई, नहीं जीत पाएगी तू। टायरोग, क्या 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 बोला इसने, टायरोग को निकाल रही है, ये पागल हो गई है। टायरोग तो अच्छा पोकेमॉन है यार, अच्छा पोकेमॉन है, इसको बेबी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बोला जाता है। पर जब क्योंकि ये बेबी है, अभी से ही फेंट हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। केंगिस खान, अरे अरे बिल्कुल, केंगिस खान को भी निकालिए, उसको भी जरा हजामत करते हैं, इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी रह गई, अभी कर देते हैं बिल्कुल अभी कर देते हैं। लो भैया टैकल से हमारा कुछ नहीं होने वाला भाई, लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्या समझ रखा है तुमने। अभी जैक्रोम मिल जाता ना तो भैया तुम तो गए थे फिर, जैक्रोम तो कुछ और ही करता तुम्हारा। अरे सरीना को हरा दिया अपन लोगों ने, 2000 इसने तो जिम लीडर से भी ज़्यादा पैसे दिए हैं। व्हाट अ ग्रेट बैटल, आई एम गोइंग टू द पीसी, ओ पीसी का मतलब पोकेमॉन सेंटर बोल रही है ये, मेरे को लगा कि कंप्यूटर में जा रही है। बट बिफोर दैट हियर इज अ लिटिल गिफ्ट फॉर योर फर्स्ट अचीवमेंट, एक्सपीरियंस शेयर। अरे अरे बहुत जल्दी मिल गया एक्सपीरियंस शेयर अपन को, और अच्छी बात भी है यार, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर मैं देने वाला हूँ शील्डॉन को, क्योंकि यार मुझे उसको जल्दी से इवॉल्व करना है। वैसे अभी होगा नहीं है, पर फिर भी अभी दे देता हूँ मैं उसको अपना। कहाँ है भैया ये, कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो गिव कर देते अपन। वैसे जो 3DS गेम्स आए थे ना बाद में, उसमें क्या होता था कि तुम्हें किसी को देना नहीं पड़ता था, तुमने शायद खेले होंगे कुछ गेम्स, तो उसमें तुम्हें देना नहीं पड़ता था, अपने आप ही सारे पोकेमॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था एक्सपीरियंस सारे के सारे पोकेमॉन में, तो यार वो सही चीज़ है। पर ये है कि तुम किसी पोकेमॉन को नहीं देना चाहते एक्सपीरियंस, तो जिसको ज़्यादा चाहिए उसको कम मिलता है, ये भी गलत बात है। पर ठीक है, ये कुछ ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए कि तुमको अगर एक ही पोकेमॉन को देना है तो तुम एक ही पोकेमॉन को दे पाओ, पर उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैंने जहाँ तक खेला है मैंने। अच्छा अरे थोड़े कंट्रोल्स पता चल रहे हैं मेरे को, एक W दबाएंगे तो क्या होगा, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ, थोड़े टैब दबाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है मेरे को ठीक है समझ में आ गई चीज़ें। चलो अभी के लिए यही तक अपन रोकने वाले हैं, फर्स्ट जिम बैटल अपन जीत चुके हैं, फर्स्ट जिम बैच अपन को मिल चुका है, काफ़ी मज़ा आया खेलने में यार। जिम बैचेस मेरे को पता नहीं इसमें कैसे देखते हैं, पर ठीक है, इसलिए मैं जिम बैचेस नहीं लगा पाया लेआउट में, लेआउट इसका कुछ खास है भी नहीं, पोकेमॉन तो मैं दिखाई दे ही रहे हैं कि कौन से पोकेमॉन अपने पास। पर जो भी, अगर तुम्हें सीरीज़ पसंद है और आज का एपिसोड तुम्हें काफ़ी पसंद आया, तो यार लाइक मारो यार, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, जैसे मैंने बोला ही था, और प्लीज़ कंप्लीट कर देना यार, हर एपिसोड पे कम से कम 500 लाइक्स तो डिजर्व करता है ये गेम यार, क्योंकि ऑसम गेम है यार ये, मतलब कमाल का गेम है ये, कोई फाड़ने वाला है अपने चैनल के पूरे व्यूज़ फाड़ने वाला है, मुझे पता है यार, अच्छा गेम है, जिनको पसंद नहीं आया उनको जाने दो, पर तुम्हें पसंद आया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यार अब तक के लिए बाय, और सी यू नेक्स्ट टाइम।